here and welcome back to the fresh new episodes of Kosh Young Vlogs. And right now we are at Koch Bihar and heading towards Siliguri, which is almost 160 to 180 kilometers. और सिलीगुड़ी पहुंचने के बाद हम लोग हमारा इको स्पोर्ट का फुल इंस्पेक्शन करने वाले हैं फ्रॉम द फोर्ट सर्विस स्टेशन एंड देन वी विल बी हेडिंग टुवर्ड्स कार्शियांग व्हिच इज आल्सो नोन एज द लैंड ऑफ व्हाइट ऑर्चर्ड्स। और इस रोड ट्रिप में हम लोग स्टे करने वाले हैं कार्शियांग में फॉर द 2 to 3 days एंड एक्सप्लोरिंग डिफरेंट ऑर्बिट डेस्टिनेशन नियर कार्शियांग एंड दार्जिलिंग विद द फोर्ट्स इको स्पोर्ट एंड टेस्टिंग इट्स ट्रू पोटेंशियल ऑन द हिल्स। Meanwhile, this video would be very helpful and informative for those who is planning to drive a front-wheel drive compact SUV like the Ford EcoSport on hills, or for those who is willing to self-drive their car to explore different off-beat destinations near Darjeeling and Karsiyang. So stay tuned to this vlog till the end and I hope you would enjoy watching it. So right now we are in the Ford service station and we did the general checkup of the car. Basically they checked the engine oil, brake fluid, coolant level and the brake pads so that there is no leaks during the road trip. And as you can see, the boot is fully loaded with bags and luggages. And in this trip, hum log 5 adults travel karne wale hai along with my cousin sister. तो हम लोग आप जा रहे हैं कार्शियांग के तरफ एंड वी आर डन विद आवर कार्स चेकअप एंड फॉर्चुनेटली देर वॉज नो फॉल्ट इन द कार। एंड इफ यू आर सम माई ओल्ड सब्सक्राइबर्स, यू माइट बी नोइंग माई लास्ट रोड ट्रिप टू मिरिक एंड गोपालधारा टी स्टेट, व्हिच इज अ वेरी प्लीजेंट प्लेस टू विजिट इन बेंगाल। और इस मोड से स्ट्रेट जाने से यू विल बी गेटिंग द मिरिक एंड गोपालधारा टी स्टेट। पर इस ट्रिप में हम लोग जा रहे और थ्रू द रोहिणी रोड, व्हिच इज अगेन वेरी ब्यूटीफुल एंड स्टीफ रोड टू कार्शियांग। एंड इफ यू वॉन्ट टू चेक माई मिरिक एंड गोपालधारा ब्लॉग्स, आई विल बी गिविंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, डू चेक दैट आउट। एंड ऑलरेडी वी आर गेटिंग अ वेरी प्लीजेंट व्यू ऑफ द माउंटेन्स इन द एंड ऑफ द रोड्स। And to be very honest, West Bengal is full of greeneries and lots of mountains, and it's a very pleasant and beautiful place for tourism. And if you are someone out from West Bengal, then do visit West Bengal once and I hope you won't complain. I don't know how much it's visible on the camera, the roads are great and it gives you a different feeling while driving into the nature. कितना है भैया? हाँ, 30 rupees। तो अभी हम लोगों ने क्रॉस किया रोहिणी टोल प्लाजा एंड फ्रॉम हियर इट्स अराउंड 20 टू 25 किलोमीटर्स टू कार्शियांग। एंड फ्रॉम दिस वी विल बी गेटिंग द हिली रोड्स एंड दिस रोहिणी रोड इज स्लाइटली स्टीफ एंड इन द वे वी विल बी होल्डिंग इन सम ऑफ द व्यू पॉइंट्स ऑफ कार्शियांग एंड इन द वे वी विल बी कंप्लीटिंग आवर लंच and then we'll be heading towards our hotel. So we didn't book the hotel yet and we'll be visiting and choosing the hotel for us.
तो ये रोहिणी रोड इज स्लाइटली स्टीप और कुछ पोर्शन में थोड़ा नैरो एंड कंजस्टेड एंड इज स्लाइटली रिस्की फॉर न्यू ड्राइवर्स एंड इफ यू आर समवन हु इज नॉट फैमिलियर विद हिल ड्राइविंग देन यू कैन टेक द हिल कट रोड व्हिच पासेस थ्रू द दार्जिलिंग हिमालयन रेलवेज एंड दैट रोड इज ऑल्सो वेरी सीनिक एंड ब्यूटिफुल बट इट्स स्लाइटली लॉन्गर दैन दिस रोड। तो इस रोड के साइड में बहुत सारा रेस्टोरेंट्स होटल्स मिलेगा फॉर योर फूडिंग। तो अगर आप चाहे ब्रेकफास्ट या तो लंच या तो डिनर कर सकते हैं इस रोड साइड में। एंड एज यू कैन सी द रोड इज स्लाइटली स्टीप एंड द कार इज परफॉर्मिंग ब्रिलियंटली इन स्पाइट ऑफ फुल्ली लोडेड एंड राइट नाउ देयर इज नॉट सो मच स्टीप बट आई होप In real life situation, this car will not disappoint me as such. So, एक चीज जो मैं इस गाड़ी का बहुत पसंद करता हूँ is its engine performance. The engine is very punchy and in cornering time it gives you a great confidence while cornering this car. And the handling is pretty good in this Ford EcoSport. And the engine is also very punchy and refined. And you would love revving this engine. So once you cross 2000 RPM, the sound from the engine gives you a very confidence while driving in this hill. And to be very honest, I have drove this car in lots of hills in the West Bengal and it performs brilliantly in all types of terrains. So after almost a fuel drive of 10 to 15 kilometers, we took a short break near this tea stall. And from this tea stall, you get a beautiful view of this waterfall. And right now the waterfall is not so active as it is a winter season. But jab aap log idhar pe rainy season mein aayenge, toh this waterfall would be fully active. So hum logon ne kuch टाइम स्पेंड करने के बाद इधर पे हम लोग फिर से चले हैं कार्शियंग की ओर। और कार्शियंग करीबन और 20 किलोमीटर्स है फ्रॉम दिस वाटरफॉल एंड बेसिकली इट टेक्स अराउंड 1.5 to 2 hours टू रीच कार्शियंग फ्रॉम सिलीगुड़ी। और अगर आप फ्लाइट में आना चाहते हैं तो द नियरेस्ट एयरपोर्ट इज़ द बागडोगरा एयरपोर्ट एंड फ्रॉम बागडोगरा एयरपोर्ट यू विल बी गेटिंग कैब्स विच विल टेक यू टू कार्शियंग और दार्जिलिंग और एनी अदर ऑफबीट डेस्टिनेशन यू वॉन्ट टू विजिट इन कार्शियंग। और अगर आप चाहे ट्रेन से ट्रेवल करना तो द नियरेस्ट स्टेशन टू रीच कार्शियंग एंड दार्जिलिंग इज द न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन। सो एंड अगेन इन फ्रंट ऑफ द न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन यू विल बी गेटिंग लॉट्स ऑफ कैब्स विच विल टेक यू टू द कार्शियंग। और इन केस यू वॉन्ट टू सेल्फ ड्राइव ए कार और ए बाइक हायर ए बाइक देन दैट फैसिलिटीज आर ऑल्सो अवेलेबल इन सिलीगुड़ी। And again we took a short break by this nearby viewpoint and from this viewpoint you get the excellent view of the mountains. And after spending some time in this viewpoint we are now again on our way to Kaohsiung. तो कुछ सालों से जो नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ है दैट द टूरिस्ट लव्स टू एक्सप्लोर द ऑफबीट डेस्टिनेशंस व्हेयर द पॉपुलेशन इज लो रैदर देन द कंजेस्टेड एरियाज लाइक द गैंगटॉक और दार्जिलिंग। And basically they would be staying in Kaohsiung or Darjeeling and exploring the different offbeat destinations. And mostly the homestays are the best option to explore the Nord nature.
So finally we reached the Kaohsiung, and this is known as the Kaohsiung viewpoint, where you get the Isle of Kaohsiung logo, and from this viewpoint you get a beautiful view of the Kaohsiung town. And from this you can also, if the weather is clear, you can get the view of the Gidda Pahar from this viewpoint. And most of the time this viewpoint is full of crowds, and lots of people visit this place for taking selfies and photos. And from this viewpoint you get a excellent view of the mountains. And today the weather is slightly foggy, so you can't get a proper view of the mountains, but this is a very beautiful and pleasant place for to visit in Kaohsiung. And in the town you get this beautiful tea estate. तो अगर आप चाहे इस व्यू पॉइंट को थोड़ा और एक्सप्लोर करना, सो यू कैन डू अ ट्रैकिंग ऑफ 100 टू 200 मीटर्स फ्रॉम दिस व्यू पॉइंट, एंड यू गेट दिस एक्सलेंट व्यू ऑफ दिस टी गार्डन फ्रॉम दिस व्यू पॉइंट. एंड दिस प्लेस इज ऑल्सो वेरी सेरीन एंड पीसफुल एंड ए गुड प्लेस फॉर द टूरिज्म. सो हम लोगों ने इधर पे हमारा लंच कंप्लीट किया, और नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स आवर होटल. So in front of us, the view which we are getting is the view of the Kaohsiung town, and during the night it looks more beautiful because of the lights, and it gives a very beautiful scenery. And if you like the content, consider subscribing to the channel and turn on the notification for future updates. And please consider by clicking on the like button. And in case you dislike the video, comment down so that I can rectify in the future updates. तो हम लोग पहुंच गए हैं Kaohsiung में, और वी आर सर्चिंग फॉर ए होटल, एंड वी गॉट ए नंबर ऑफ द होटल नेम्ड मेरी विलास. वी कॉन्टैक्ट हिम एंड ही टोल्ड कम इन माई होटल, देयर आर रूम्स अवेलेबल. सो वी आर नाउ ऑन आवर वे टू द मेरी विलास होटल. And it's very difficult to find the roads in the Kaohsiung, and mostly due to the traffic jams it's get more difficult to move here and there with your personal car. One thing which is again great in Kaohsiung is that in every morse you will be getting traffic police, and they are out to help you out, and they maintain the traffic properly, and this is again a very helpful for the tourists who visit in Kaohsiung or Darjeeling. They are always there to help you out and to maintain the traffic. So we just checked into the hotel and parked the car, and this seems to be a pretty decent hotel in this locality. And we do chose this hotel because this is slightly out from the main town, and there is no problem in parking the car, and they provide a proper parking facility for your cars. And
And when we were entering, they do checked our luggages, they did properly sanitized our luggage, and they do checked our body temperature. And we got these two rooms, and the contact number and the pricing of the hotel will be in the description below. In case you want, you can check that out. And the hotel boys or the staffs are very helpful, and they are properly sanitizing your room. तो हम लोगों ने थोड़ा रेस्ट किया रूम में, एंड नाउ वी आर आउट टू एक्सप्लोर द नाइट व्यू ऑफ कार्शियंग। वी आर वॉकिंग टूवर्ड्स द कार्शियंग टाउन, एंड वी विल बी वॉकिंग टूवर्ड्स द कार्शियंग रेलवे स्टेशन एंड डूइंग सम शॉपिंग एंड कंप्लीटिंग आवर डिनर एंड बैक टू द होटल। And our next day plan is to explore some of the off-beat destinations near Kaohsiung, like Shitong, Bagora, Chimney Heritage Gram, and Lhotpanchar, Tau Hill, and other off-beat places near Kaohsiung. And soon I will be uploading the next episode of the Kaohsiung Vlogs. So stay tuned to this channel, and I hope you would enjoy watching the entire vlog. And thank you for tuning into the channel. Stay safe, and I wish to see you in the next one.